हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में गाइस। सो गाइस, आज का जो हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो इस प्रकार है कि कुछ ही दिनों में नवरात्रे आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना नवरात्रों में कुछ हम स्पेशल बनाएं। सो गाइस, पहले तो नवरात्रों की आपको शुभकामनाएं जो थोड़े दिन रह गए। सो हमारी फर्स्ट वीडियो मैंने सोचा कि हम इस प्रकार बनाएंगे कि आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ 3 टाइप ऑफ शेक, मिल्क शेक, जिसमें जो फुल प्रोटीन वाला रहेगा आपको हम बताएंगे अभी नेक्स्ट की क्या क्या बनाने जा रहे हैं। सो गाइस, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसमें इसलिए हम बना रहे हैं कि मैंने आज तक कोई नवरात्रों में कोई वीडियो ऐसी बनाई नहीं कुकिंग को लेके, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी मेन कोर्स भी लाऊँ इसमें और चाट वगैरह भी लाऊँ जो आप नवरात्र में ईजी वे में घर में बना के खा सकें। सो गाइस, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, पहला शेक देखिए हम डालेंगे इसमें बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश, राइजिंग जिसे कहते हैं, इसे डालेंगे इसमें। कौन सा शेक बन रहा है? ये बन रहा है बनाना शेक। बनाना शेक। सो गाइस, पहले थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम दूध। सो गाइस, ये व्रत की रेसिपी है। गाइस, दूध हमें लेना है जो टोटली कोल्ड होना चाहिए, क्योंकि व्रत जब हम रखते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी में थोड़ी एनर्जी की कमी हो जाती है। सो वी शुड ट्राई टू हैव समथिंग हेल्दी एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर हेल्थ। सो गाइस, अब हम डाल देंगे 2 बनानास जो हमने कट करके रखे हुए हैं। सो गाइस, उसके बाद हम डालेंगे शुगर। अगर आप शुगर डालना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। सो गाइस, इस व्लॉग में हम आपको 3 तरह के शेक्स बना के बताएंगे। ये फर्स्ट है बनाना शेक, और आगे 2 भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसमें ऐड कर देंगे चिल्ड मिल्क और हम इसे ग्राइंड कर देंगे एक बार फिर से अच्छे से, और हमारा जो शेक है वो हो चुका है बनाना वाला रेडी। सो गाइस, अब हम शेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले डालेंगे बनाना चंक्स, इससे जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। सो बहुत ही अच्छा लगता है ये, साथ में ये एक हाई प्रोटीन शेक है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गाइस शेक, जो हमारा जो शेक रेडी है फर्स्ट शेक। तो गाइस, आप एक बार पक्का ये ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे हैं, और हम आगे भी नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज लेके आएंगे। अब हम इसमें कर देंगे गाइस गार्निश। तो गार्निश के लिए हम यूज करेंगे इसमें आलमंड और पिस्ताचू जो हमने स्लाइस कर दिए थे। सो गाइस, अगर आप नवरात्रों में फास्ट में अगर ये शेक लेंगे, इसमें वेल प्रोटीन है और आपको भूख भी नहीं लगेगी। सो गाइस, हमारा फर्स्ट शेक रेडी, अब हम बनाएंगे सेकंड। सो गाइस, ये देखिए हमारा बनाना शेक हो चुका है रेडी, और इस टाइम में कितना ही ज़्यादा टेस्ट लग रहा है। तो गाइस, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। सो गाइस, पहले तो हमने सैफ्रन शेक के लिए मिल्क में केसर डाल के थोड़ी देर के लिए रखा है। सो गाइस, सेकंड जो हमारा शेक है उसके लिए हमने ड्राई फ्रूट ले लिया, हमने लिया आलमंड, काजू, पिस्ता और किशमिश, ये हम पहले इसमें ऐड करेंगे। और गाइस, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे, अब हमने दूध में सैफ्रन डाला था और इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखा, इससे आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आएगा। शेक कौन सा है?
सेकंड शेक है ये सैफ्रन, सैफ्रन शेक, सैफ्रन मिल्क शेक। अब हम इसमें तो गाइस इसमें हम ऐड कर देंगे कोल्ड मिल्क, तो गाइस इसमें हम डाल देंगे शुगर 2 स्पून। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका गाइस हमारा शेक हो चुका है रेडी। सो गाइस ये देखिए सैफ्रन का शेक था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट डाला था, इसका कलर देखिए बिल्कुल परफेक्ट। सो गाइस अब हम इसमें कर देंगे गार्निश, गार्निश में हम ऐड, सो गाइस अब हम कर देंगे गार्निश। हम बनाने जा रहे हैं एप्पल, एप्पल का जो शेक है हमें पहले एप्पल को कट करना है और गाइस ये साइड जो है इसको रिमूव करना है, नहीं तो आपको जो शेक का टेस्ट बिल्कुल ही कड़वा हो जाएगा। कि मैं इसको भी काट दूंगा गाइस, और गाइस हमें अब इसको क्यूब कर देना है। सो गाइस एज पर योर क्वांटिटी आप 1-2 डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा गिलास चाहिए, अगर आपको 1 गिलास ही बनाना तो उसमें 1 एप्पल इज इनफ, डिपेंड करता है कि साइज क्या है। सो गाइस अब हम इसको ऐड कर देंगे, सेम प्रोसीजर हमें ड्राई फ्रूट लेने हैं, ड्राई फ्रूट डालने बाद में साथ में किशमिश डाल रहे हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड कर देंगे इसमें ड्राई फ्रूट, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, सो गाइस उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे एप्पल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, सो गाइस अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून शुगर, टीस्पून ही है गाइस शुगर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमने 2 चम्मच डाले इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क, सो गाइस अब ऐड कर रहा हूँ इसमें मिल्क, और आगे आपको पता है क्या करेंगे। सो गाइस अब हम इसको सेम ग्राइंड कर देंगे और हमारा जो नवरात्रि स्पेशल शेक्स जो रेडी है आपके लिए, शेक भी रेडी हो चुका है ये देखिए। तो अब हम इसमें कर देंगे गार्निश, तो किसी को भी सर्व करने के लिए गार्निश बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अब हम इसमें कर देंगे गार्निश, गार्निश के लिए हम डालेंगे इसमें जो ड्राई फ्रूट था हमने स्लाइस किया था वो, और हमारे जो शेक हैं नवरात्र स्पेशल वो हो चुके हैं रेडी। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो है बहुत पसंद आई होगी, गाइस इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आगे भी काफ़ी सारी रेसिपीज हम लेके आएंगे। सो गाइज हम कोशिश करेंगे आपके लिए और रेसिपी लाएं, अगर आपको कुछ रेसिपी आपके माइंड में है तो बताइए, हम वो शेयर करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।